हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नई अपडेट आई है, HCS का रिजल्ट आ गया है। यदि आप जानना चाहते हैं डिटेल से क्या अपडेट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देशिताओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ आपके लिए जॉब और जॉब से जुड़ी अपडेट सही समय पर मैं लेके आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों आप लेते हैं अपडेट क्या आई है। तो दोस्तों HPSC ने सिविल जज के लिए वैकेंसी निकाली थी जूनियर डिवीजन के लिए, HCS जुडिशियरी एग्ज़ाम है ये, और 256 इसके अंदर वैकेंसी थी। इसका एग्ज़ाम हुआ था अभी, इसका जो प्री एग्ज़ाम था वो 13 नवंबर 2021 को हुआ था, और आज इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। HPSC में आपको आपने देखा भी होगा, अभी HCS के मामले में कई सारी चीज़ें सामने आई थी और सभी को लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, जांच वगैरह होगी हर भर्ती की, लेकिन यहाँ पे दोबारा से एक और नई भर्ती का रिजल्ट निकाल दिया गया है। अब भाई इसमें कितना साफ सुथरा काम है ये तो HPSC को पता है, लेकिन हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि हरियाणा सरकार जाँच करवाएगी और अभी किसी भी प्रकार का जो रिज़ल्ट है वो नहीं आएगा HPSC का, लेकिन आज रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, 256 वैकेंसी थी इसकी, मैं आपको PDF दिखा देता हूँ, और प्री एग्ज़ाम की यहाँ पे बात हो रही है। प्री एग्ज़ाम हुआ था नवंबर के महीने में, ठीक है। अब जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनका मेन एग्ज़ाम होगा दोस्तों, और PDF मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन पास हुआ है इसमें। अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही अपडेट आई है, सिर्फ 2 मिनट पहले ही, तो ये अपनी जो PDF है डाउनलोड हो गई है। 13 नवंबर 2021 को प्री एग्ज़ाम हुआ था और जनरल की 166 पोस्ट थी, 10 गुना कैंडिडेट को पास किया गया है। ये रोल नंबर है जो जो क्वालिफाई हुए हैं, क्या है, जो जो क्वालिफाई हुए हैं। ये लिस्ट टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं यदि आप इस भर्ती से जुड़े हुए हैं तो, ठीक है, तो आप चेकआउट कर लीजिए। और ये रिज़ल्ट आपका आया है HPSC के द्वारा, आपकी क्या राय है कि जाँच होनी चाहिए थी या अभी रिज़ल्ट देना ही सही है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।